एल्यूमिनियम बना सकते थे। देखिए बात मैं आपसे कहने जा रहा हूं वो ये कि हिंदुस्तान भी 2000 साल पहले 5000 साल पहले एल्यूमिनियम बना सकता था, क्योंकि एल्यूमिनियम का रॉ मटेरियल इस देश में भरपूर मात्रा में है। बॉक्साइट, हिंदुस्तान में बॉक्साइट के खजाने भरे पड़े हैं। कर्नाटक बहुत बड़ा भंडार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश बॉक्साइट के बड़े भंडार हैं। हम भी बना सकते थे, अगर बॉक्साइट है तो एल्यूमिनियम बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन हमने नहीं बनाया क्योंकि उसकी जरूरत नहीं थी। हमको जरूरत थी मिट्टी की हांडी की, इसलिए हमने मिट्टी की हांडी बनाई और उसी पर सारे रिसर्च और एक्सपेरिमेंट किए। इसलिए कुम्हारों की एक पूरी की पूरी जमात इस देश में खड़ी की गई कि तुमको भैया मिट्टी के ही बर्तन बनाने हैं, माने तुमसे बड़ा वैज्ञानिक कौन। अब ये कुम्हार जो इतने बड़े वैज्ञानिक हैं इस देश के, जो मिट्टी के बर्तन बनाकर हजारों साल से दे रहे हैं हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए, हमने उनको नीची जाति बना दिया। हम कैसे मूर्ख लोग। वो नीचे कहां है जरा बताइए। अगर प्रेशर कुकर की कंपनी जो बना रही है प्रेशर कुकर, वो ऊंचा आदमी है, तो ये कुम्हार नीचा कैसे हो गया। ये ऊंचा नीचा हमने डाल दिया इस देश में, इसी ने देश का सत्यानाश कर दिया। ये ऊंचा नीचा कुछ तो अंग्रेजों ने डाला, कुछ अंग्रेजों के पहले जो मुसलमान थे उन्होंने डाला, और कुछ अंग्रेज और मुसलमानों के जाने के बाद हम काले अंग्रेजों ने इसको ऐसा पक्का बना दिया कि कुम्हार इस देश में बैकवर्ड क्लास है। जो सबसे बड़ा वैज्ञानिक काम कर रहा है, मिट्टी के बर्तन बना बनाकर आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को, आपके सूक्ष्म पोषक तत्वों को कम नहीं होने देने के लिए मिट्टी का सिलेक्शन करता है वो। आपको मालूम है हर एक मिट्टी से बर्तन नहीं बनते, एक खास तरह की मिट्टी है वही बर्तन बनाने में काम आती है, और एक खास तरह की मिट्टी है जो हांडी बनाती है, दूसरे खास तरह की मिट्टी में कुल्हड़ बनता है, तीसरे खास तरह की मिट्टी में कुछ और बनता है। ये मिट्टी को पहचानना कि इसमें कैल्शियम ज्यादा, इसमें मैग्नीशियम ज्यादा, इसलिए हांडी इससे बनाओ, और इसमें कैल्शियम मैग्नीशियम कम है इसलिए इसका कुल्हड़ बनाओ, ये तो बहुत बहुत बारीक और विज्ञान का काम है। ये सब कुम्हार कर रहे हैं, हजारों साल से कर रहे हैं, बिना किसी यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए कर रहे हैं, तो हमें तो वंदन करना चाहिए, उनके सामने नतमस्तक होना चाहिए, कितने महान लोग हैं। दुर्भाग्य से सरकार की कैटेगरी में वो बैकवर्ड क्लास में आते हैं। तो ये जो मिट्टी के बर्तन की बात हुई, वो मिट्टी के बर्तन की बात इसलिए कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का सब कुछ सामान्य रहता, इसलिए हमारे यहां एल्यूमिनियम के बर्तन या दूसरे मेटल के बर्तन का चलन कम है। भगवान के लिए तो बनाते नहीं, धातुओं के बर्तन में खाना नहीं बनता, सभी मंदिरों में भोजन और प्रसाद ज्यादातर मिट्टी के। तो आप भी कर लीजिए ये काम, प्रेशर कुकर निकालिए, मिट्टी की हांडी ले आइए। तो आप कहेंगे जी दाल देर में पकेगी, सिद्धांत ही वही है दाल का, तो जो देर में खेत में पकी है वो देर में घर में भी पकेगी। तो आप बोलेंगे फिर टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा। मैं आपको सरल बता देता हूं, दाल को हांडी में रख के चढ़ा दीजिए, बाकी सब काम करते रहिए, घंटे डेढ़ घंटे में पक जाएगी, उतार लीजिए फिर खा लीजिए। घंटे डेढ़ घंटे में आपके झाड़ू पोछा, दूसरे बर्तन साफ करना, कपड़े साफ करना, या जो भी काम करना है, पढ़ना लिखना, बच्चों को पढ़ाना, वो करते रहिए, वो दाल पकती रहेगी। ये है भागवत जी का सूत्र कि ऐसा भोजन नहीं करना जो बनाते समय पकाते समय सूर्य के प्रकाश से वंचित हो और पवन के स्पर्श से वंचित हो। यह तभी संभव है जब आप खुले बर्तन में खाना बनाए तो पवन भी अंदर आए और सूर्य का प्रकाश की किरणें भी अंदर आए खुले बर्तन में, और वो खुला बर्तन सबसे अच्छा मिट्टी का हांडी। आप कहें जी मिट्टी की हांडी के बाद अगर कोई चीज है तो हमारे यहां एक मेटल बनता है जिसको आप लोग कहते हैं एलॉय है, कांसा। कांसा आपने सुना है, देख शायद देखा भी हो कहीं किसी के घर। तो दूसरा सबसे अच्छा माना जाता है कांसा, तीसरा सबसे अच्छा माना जाता है पीतल। अब ये कांसे और पीतल में भी हमने काम कर लिया कि अरहर की दाल को कांसे के बर्तन में पकाएं तो उसके सिर्फ 3% माइक्रो न्यूट्रिएंट कम होते हैं, 97% मेंटेन रहते हैं। पीतल के भगोने में पकाएं तो 7% कम होते हैं, 93% बचे रहते हैं, लेकिन प्रेशर कुकर में बनाएं तो सिर्फ 7% बचते हैं, बाकी खत्म होते हैं। अब आप तय कर लीजिए आपको लाइफ में क्वालिटी चाहिए तो आपको मिट्टी की हांडी की तरफ ही जाना पड़ेगा।
क्वालिटी ऑफ लाइफ की अगर बात आप करेंगे, माने जो खा रहे हैं वो पूरे शरीर में पोषकता दे, ये लाइफ की क्वालिटी की बात आप करेंगे, तो मिट्टी की हांडी की तरफ ही जाना पड़ेगा, माने भारत की तरफ वापस लौटना पड़ेगा इंडिया से। अभी हम हैं इंडिया में, जो बनाया अंग्रेजों ने या बना दिया अमरीकियों ने, इस इंडिया से निकल के भारत की यात्रा करनी पड़ेगी। और मैंने पिछले एक दो वर्षों में ये बातें गांव गांव में कहना शुरू किया है, तो इसका परिणाम पता है क्या, कि कुम्हारों की इज्जत बढ़ गई है गांव में। गांव वाले समझते हैं कि ये तो कोई बड़ा काम कर रहे हैं हमारे लिए। और मैं मानता हूं कि मेरे व्याख्यान की अगर कोई सार्थकता है तो वो ये कि कुम्हारों की इज्जत इतनी बढ़ जाए कि वो पंडितों के बराबर आ जाए, क्योंकि वो किसी से नीचे नहीं है, क्योंकि वो किसी से छोटे नहीं है, भले वो मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं, बहुत वैज्ञानिक काम वो कर रहे हैं। और मजे की बात कि वो हांडी बना के आपको 20-25 रुपए में ही दे रहे हैं, प्रेशर कुकर तो 250-300 रुपए का है। और सबसे मजे की बात कि ये हांडी जब खत्म होगी, माने इसकी लाइफ पूरी हो जाएगी, तो ये हांडी फिर मिट्टी में मिल जाएगी और फिर वही मिट्टी से हांडी बन जाएगी। दुनिया में ऐसी कोई वस्तु नहीं है, प्रेशर कुकर के बारे में तो नहीं कह सकते आप, बायोडिग्रेडेबल है। तो आप कोशिश करें अपने घर में थोड़ा परिवर्तन करें। अब मैं आखिरी बात जो आज की कह रहा हूं वो ये, मैंने पिछले दो वर्षों में, मैं होम्योपैथी की भी चिकित्सा करता हूं, तो बहुत सारे पेशेंट मुझे फोन करते हैं, राजीव भाई ये, तो मैंने कुछ पेशेंट को खास कर कहा कि देखो भैया आपको मैं कोई दवा नहीं दूंगा। तो कहने लगे फिर बीमारी कैसे ठीक होगी। मैंने कहा एक ही काम करो, मिट्टी की दाल खाना शुरू करो, मिट्टी की हांडी में रखी हुई दाल खाना शुरू करो, चावल खाना है तो मिट्टी की हांडी का। कहने लगे राजीव भाई कौन करेगा ये सब। मैंने कहा आपकी बीवी करेगी या आप करोगे, अगर जिंदगी चाहिए तो झक मार के आप करोगे, नहीं तो अमेरिका जाओ, कनाडा जाओ, जर्मनी जाओ, लाखों रुपए खर्च करो फिर भी झक मार के वापस आओ, डॉक्टर कहेगा इलाज नहीं, तो आप देख लो। तो जो गंभीर मरीज है वो आप जानते हैं वो कुछ भी करेंगे जो आप कहें। तो मेरे पास कुछ डायबिटीज के क्रोनिक पेशेंट हैं, बहुत क्रोनिक, जिनका यूनिट शुगर यूनिट 480 के ऊपर है, ऐसे 100 से ज्यादा पेशेंट, कुछ गुजरात में है, कुछ राजस्थान में और कुछ बंबई में। मैंने उनको कहा ध्यान से मिट्टी का बर्तन ले आओ और शुरू करो। अब बर्तन लाने में तकलीफ हुई तो कुम्हार को ढूंढना पड़ा, तो लेकिन मिल गया। वो 8 से 9 महीना हो गया नियमित रूप से मिट्टी की दाल और मिट्टी का चावल, माने हांडी की दाल और हांडी का चावल, हांडी की खिचड़ी नियमित रूप से खा रहे हैं। और अब तो उन्होंने मिट्टी का तवा भी ले आया अपने घर में रोटी बनाने के लिए, बाजरी की रोटी बहुत अच्छी बनती है इस मिट्टी के तवे पे, तो रोटी भी उसी की खा रहे हैं। 8 महीने के बाद सबका शुगर टेस्ट किया है तो 480 यूनिट वाला अभी 180 यूनिट पे है, बिना किसी मेडिसिन के, बिना किसी इंजेक्शन के, बिना किसी टॉनिक के, और होम्योपैथी की कोई दवा नहीं दी मैंने उनको। कुछ लोगों को ज्यादा परेशान थे, दवा भी दो, उनको प्लेसिबो दे दिया। प्लेसिबो समझते हैं, खाली गोली, दवा नहीं डाली, तो पेशेंट को लग रहा है कि मैं दवा खा रहा हूं, दवा खा के अच्छा हो रहा हूं। मुझे मालूम है कि वो कोई दवा नहीं है, वो प्लेसिबो है, वो अच्छा हो रहा है उस मिट्टी की दाल खा के, मिट्टी का चावल खा के, मिट्टी की खिचड़ी खा के, रिजल्ट ये है। तब मैंने मान लिया कि बाघभट्ट सच में महान आदमी थे। वो एक सूत्र लिख गए कि आप ऐसा भोजन मत करो जिसमें सूर्य का प्रकाश ना जाए, पवन का स्पर्श ना हो, तो वो आपके लिए अमृत तत्व है, भोजन नहीं है, वो अमृत जैसा है। ये एक सूत्र पूरा होता है, 8:30 का समय हो गया है, आगे कल दूसरा सूत्र, तीसरा, ऐसे कर करके जो सबसे जरूरी 15 है वो पहले बताऊंगा और उसके आगे बढ़ता जाए। आभार, धन्यवाद। तो एक बार फिर हम राजीव भाई को अब सुनेंगे और मेरी गुजारिश है कि आप जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। ताली बजाएंगे तो आपके अंदर ऊर्जा का संचार होगा और हवा का स्पंदन आप महसूस करेंगे और वही हवा आपको मिट्टी की खुशबू बिखेरेगी। और अब अपने सूत्रों को बिखेरने आए हैं हमारे भाई राजीव दीक्षित जी।
राजीव भाई ने मुझे कहा था कि व्याख्यान के दौरान अगर बाबूजी शोभाकांत जी हमारे बगल में रहेंगे तो एक आशीर्वाद मेरे इर्द गिर्द मंडराएगा, इसलिए उनसे गुजारिश है कि कृपया मंच पर आएं और उनके बगल में बैठें। तो मंच राजीव दीक्षित को समर्पित। कल मैंने आपसे जो बातें कही थी उनमें से बहुत सारी बातें आपको याद होंगी, शायद आपने लिखी भी होंगी। मुझे कल एक जानकारी दी बाबूजी ने, वो जानकारी आप सब तक पहुंचे ये मेरी उनसे विनती है। उन्होंने जानकारी दी कि एक बार वो टीवीएस ग्रुप है ना, टीवीएस जो यहां का चेन्नई का सबसे बड़ा ग्रुप है और शायद भारत के सबसे बड़े ग्रुप में उनकी गिनती है, उनके घर वो भोजन करने गए थे, तो जरा बताएं। सभी भाई बहनों को नमस्कार। आज से करीब 28-30 साल पहले जब प्रभावती देवी ट्रस्ट एंड प्रभावती जयप्रकाश का विन्यास हुआ था तो टीवीएस की मलकाइन इसकी ट्रस्टी बनी थी और पहला मीटिंग उन्हीं के घर में हुआ था जिसमें रामनाथ गोयनका, एमएम रामस्वामी और महालिंगम जितने भी यहां के एलुमिनरीज थे सभी हमारे ट्रस्टी हैं इस संस्था के, तो उन्हीं के घर में पहले मीटिंग हुई थी। तो हम लोगों को खाने पर निमंत्रण भी था तो खाया, तो मैंने कहा यह दाल बहुत स्वादिष्ट है जिसके बारे में उन्होंने कहा था कल, तो कहा कि इसको ये कैसे किए हैं, तो बोले और देखिए चूल्हे के ऊपर में तो मिट्टी का बर्तन था तो उनके घर में मिट्टी का। मैंने कहा कि तब तो गैस बहुत खर्चा होता होगा, बोला हाँ गैस खर्चा होता है लेकिन उसकी परवाह नहीं, खाने में स्वाद आता है, यह है वह है। बल्कि उनको उनके पास बायोगैस भी लगी हुई थी बाहर में, अभी भी है। तो अब आज से 28-30 साल पहले मैंने देखा था कि मिट्टी के बर्तन एक इतने बड़े घर में चल चुका है, तो मैं कल इनको बताया कि आप जो मिट्टी के बर्तन के अब धीरे धीरे मिट्टी के बर्तन फिर बढ़ा है, क्योंकि हम भी जब 10 साल के थे तो बिहार में हर घर में केवल मिट्टी के बर्तन, रोटी भी बेलना से नहीं बेला जाता था, हाथ से हिस्सा पका करके, और तवा जो होता था वो मिट्टी का होता था। तो मेरे ख्याल से गांव-गांव में पहले ही प्रचार था और इन्होंने जो कहा तो ये तो सर्किल है, देखिएगा सब आएगा फिर इसी तरह। धन्यवाद। ये बात आपके ध्यान में इसलिए लाने की जरूरत है कि टीवीएस ग्रुप जो हजारों करोड़ के एम्पायर का मालिक है उनके घर में अगर मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल हो सकते हैं तो आपके घर में भी हो सकते हैं। माने हमको ये बहाना ना मिले कि मिलते नहीं है जी, समय बहुत लगता है जी, क्या उसको खटरा करने का। ये जो मन के अंदर की हमारी जो रुकावटें हैं ये कभी नहीं आए, इस दृष्टि से इस उदाहरण का बहुत महत्व है। और ये उदाहरण मैं हिंदुस्तान के ऐसे हजारों लोगों के बारे में बता सकता हूं जिनको आप रोज अखबारों में देखते हैं, न्यूज़पेपर में देखते हैं, टीवी पे देखते हैं। ज्यादातर के घरों में मिट्टी के बर्तन रसोई में इस्तेमाल होते हैं। आपको सुनकर हैरानी होगी, धीरू भाई अंबानी के घर में रोटी हमेशा मिट्टी के तवे पे ही बनती है। धीरू भाई अंबानी के घर में रोटी हमेशा तवे पे बनती है। एक बार मुझे भी मौका मिला उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कोकिला बहन से बात करने का कि आप ये मिट्टी के तवे पे रोटी क्यों बनाती हैं, ये तो पिछड़ेपन की निशानी है। ये ऐसा मैंने जानबूझ के बोला, हम तो ऐसा मानते हैं कि आप 18वीं शताब्दी में जा रहे हैं मिट्टी के बर्तन की रोटी माने तवे की। तो कोकिला बहन ने कहा कि जो जो कहे मुझे उसकी परवाह नहीं, मुझे ये रोटी पसंद है और हमारे घर के सब लोगों को पसंद है, इसलिए हम मिट्टी के बर्तन में ही रोटी बनाते हैं। पूरे गुजरात में आप जाएंगे, राजस्थान में जाएंगे, अभी भी एक दो नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोग हैं जो मिट्टी के तवे पे रोटी बना रहे हैं और खा रहे हैं। और मैं विनम्र रूप से आपसे कहना चाहता हूं कि वो आपसे ज्यादा स्वस्थ है और आपसे ज्यादा तंदुरुस्त है। अगर हमें अपना स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती बना के रखनी है, बचा के रखनी है, तो ये बातें आपको अपने जीवन में आचरण में उतारने की आवश्यकता है। और ये बातें अगर आपके आचरण में आती हैं तो कितनी बड़ी चीज होती है इस देश में कि अगर मान लो हिंदुस्तान में 112 करोड़ लोग हैं, 112 करोड़ लोगों में 20 करोड़ परिवार है, 20 करोड़ परिवारों में 20 करोड़ रसोई घर है,
अगर 20 करोड़ रसोई घर में मिट्टी का तवा आने लगे तो 20 करोड़ तवा बनने लगेगा और लाखों कुम्हारों को रोजगारी मिल जाएगी जो बेरोजगार बैठे हैं जिनके पास काम नहीं। अगर मिट्टी की हांडी में 20 करोड़ परिवारों में दाल बनने लगेगी, चावल बनने लगेगा, तो करोड़ों कुम्हारों को हांडी बनाने का काम मिल जाएगा जो आज बेकार बैठे हैं। और हिंदुस्तान में कुम्हारों की संख्या लगभग उतनी ही है जितनी ब्राह्मणों की है, सरकार के आंकड़े हैं। लगभग 18% कुम्हार हैं और कुम्हार जैसी जातियां हैं, 18% ही ब्राह्मण है। तो इतने बड़े समाज को अगर रोजगार हम दे पाते हैं तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए अर्थव्यवस्था को भी मदद होती है, आपका स्वास्थ्य तो अच्छा रहता ही है। और मेरी जो मन की बात है वो आपसे मैं शेयर करना चाहता हूं कि मिट्टी से आपका जुड़ाव रहता है, मिट्टी से जुड़े रहना ये सबसे बड़ी बात मानी जाती है। हम पता नहीं कहां कहां से चेन्नई में आए हैं, कोई बिहार से आया, कोई राजस्थान से, कोई गुजरात से, लेकिन अक्सर मन में आता है कि अपनी मिट्टी से जुड़े रहें। तो अपनी मिट्टी से चेन्नई जैसे शहर में जुड़े रहने का एक ही रास्ता है कि आप इन मिट्टी के बनाए हुए बर्तनों का इस्तेमाल करें, तो स्वास्थ्य की दृष्टि से तो बहुत ही अच्छा है और अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत अच्छा है। मैंने कल जो बातें कही थी उनको एक मिनट में फिर से रिपीट करता हूं। कल मैंने एक ही सूत्र का आपके सामने विश्लेषण किया था, भागवत ऋषि का लिखा हुआ, कि जिस भोजन को बनाते और पकाते समय पवन का स्पर्श और सूर्य का प्रकाश ना मिले वो भोजन को कभी नहीं करना। इस विश्लेषण में से शुरू हुआ कि पवन का स्पर्श और सूर्य का प्रकाश कहां कहां नहीं मिलता, तो सबसे पहली चीज निकल के आई प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर का खाना ना खाएं, कल मैंने बहुत विस्तार से बता दिया, आज सिर्फ दोहरा रहा हूं याद रखने के लिए। और उसके विकल्प के रूप में मैंने आपसे कहा मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाएं। मिट्टी के बर्तन में खाना बनाने के पीछे जो सबसे बड़ा वैज्ञानिक कारण है कि ये जो मिट्टी है इसमें 18 तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये बात हमेशा आप याद रखिएगा। कैल्शियम मिट्टी में है, आयरन मिट्टी में है, सिलिकॉन मिट्टी में है, सल्फर मिट्टी में है। आपके शरीर को हर दिन 18 तरह के सूक्ष्म पोषक तत्वों की जरूरत होती है, 18 तरह के सूक्ष्म पोषक तत्वों की जरूरत होती है, जिनको आप अलग अलग भाषा में बोल देते हैं कि हमको प्रोटीन्स चाहिए, हमको विटामिन्स चाहिए, हमको कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, हमको फैट्स चाहिए। ये डॉक्टर कहता है ना आज की भाषा में कि आपको प्रोटीन की कमी हो गई है, प्रोटीन चाहिए, आपको कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा चाहिए, आपको फैट्स ज्यादा चाहिए। तो ये जो कुछ भी चाहिए इनको रसायन शास्त्र की भाषा में मैंने आपको समझाया कल, और आज कह रहा हूं कि ये 18 तरह के सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जिनको मिल जाने से आपके भोजन को संपूर्णता मिलती है, माने भोजन पूर्ण होता है। और संयोग से या प्रकृति के कुछ ऐसे नियम से ये सारे तत्व मिट्टी में हैं, इसलिए मिट्टी के बर्तनों का उपयोग आपके लिए बहुत ही अच्छा है। दूसरा मैंने आपको कारण बताया था विज्ञान का, जिस वस्तु को खेत में, कृषि भूमि में पकने में जितना ज्यादा समय लगता है, रसोई घर में भी उसको ज्यादा समय में ही पकाना चाहिए। क्योंकि मैंने आपसे कहा कि खेत की मिट्टी में अरहर की दाल खड़ी है, 7-8 महीने में तैयार होती है, 7-8 महीने धीरे धीरे उसने प्रोटीन लिया, प्रोटीन के रूप में कुछ केमिकल्स उसने लिए मिट्टी से, ये 7-8 महीने तक लेते रहे अरहर की दाल के दाने उसकी जड़ों की मदद से, तने की मदद से। अब वो दाल तैयार हुई है तो उसको पकाने में भी समय लगना चाहिए। जल्दी से आपने पका दिया तो उसके अंदर जो प्रोटीन्स गए हैं, जो बहुत तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिट्टी से अंदर गए हैं, इनको वापस आपके शरीर में आने में संभावना नहीं है। वो टूटेंगे तो आपके लिए उपयोगी उतने नहीं होंगे। मैंने आपसे कहा कि प्रेशर कुकर में बाष्प का दबाव इतना ज्यादा होता है कि दाने टूटते हैं, पकते नहीं है, वो टूटते हैं। और टूटे हुए दाने, गर्म पानी है नीचे से, वो आपको ऐसा लगने लगता है कि वो पक गए हैं, वो पके नहीं है वास्तव में, वो सॉफ्ट हो गए हैं, मुलायम हो गए हैं। पकने से मतलब मैंने आपको बताया था कि उसके अंदर जो कुछ भी प्रकृति ने दी है पोषकता, वो आपको मिलने की स्थिति में आ गई या नहीं, तब हम उसको कहते हैं कि ये पक गया है, चाहे वो गेहूं का दाना हो, चाहे अरहर का दाना हो या तुअर का।
तो ये बात अगर आपके ध्यान में आती है कि पकना मतलब क्या होता है और उबलना मतलब क्या होता है। एक शब्द है उबलना, उबलना होता है प्रेशर कुकर में, पकना होता है मिट्टी की हांडी में, क्योंकि मिट्टी की हांडी में धीरे धीरे पकती है हर चीज। कारण क्या है, मिट्टी जो है ना ऊष्मा की कुचालक है। आप में से जो विद्यार्थी है वो जानते हैं बैड कंडक्टर है, ऊष्मा की कुचालक है, माने मिट्टी को कोई चीज जल्दी ऊष्मा के रूप में मिलेगी नहीं, धीरे ही धीरे मिलेगी। तो धीरे ही धीरे फिर दाल पकेगी, और दाल पकेगी तो धीरे धीरे उसके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पानी के साथ आएंगे, फिर आप वो खाएंगे तो आपके शरीर को पूरी पोषकता मिलेगी। और भगवान ने जो चीजें बनाई है, प्रकृति ने जो चीजें बनाई है, उनकी पोषकता आपको मिले इसके लिए बनाई। ये जो दाल बनी है ना, आप अगर ध्यान से देखें तो दाल का ऊपर का हिस्सा है जो आप खा रहे हैं फल के रूप में, बीच का हिस्सा है वो जानवर खा रहे हैं। तो भगवान ने, प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था दी है, गेहूं है, गेहूं का ऊपर का हिस्सा है वो आप खा रहे हैं, बीच का जो बचा हुआ हिस्सा है जिसको तना कहते हैं वो जानवर खा रहे हैं, और अंत का बचा हुआ जो हिस्सा होता है जिसको जड़ कहते हैं वो धरती के लिए होता है, मिट्टी के लिए होता है। प्रकृति ने बहुत सोचकर ये सब बनाया, भगवान ने बहुत सोचकर बनाया। मनुष्य के लिए एक हिस्सा, उसमें से थोड़ा आप चाहें तो पक्षियों को भी खिला सकते हैं। तो मनुष्य और पक्षियों के लिए एक हिस्सा, जानवरों के लिए दूसरा हिस्सा, और प्रकृति की धरती या मिट्टी के लिए तीसरा हिस्सा। हर एक फसल में यही देखेंगे आप। तो जो आपके लिए बनाया है भगवान ने, वो बहुत सोच समझकर बनाया है। जो जानवरों के लिए है वो भी सोच समझकर है, और मिट्टी के लिए। तो उसका अगर जीवन में फायदा उठाएं तो बहुत अच्छा होगा। और बागवत जी इसी के लिए शायद ये सूत्र लिख कर गए। तो कल बहुत ज्यादा बात हुई प्रेशर कुकर के बारे में, आज मैं थोड़ी सी बात करता हूं कल से जुड़ी हुई रेफ्रिजरेटर के बारे में। रेफ्रिजरेटर एक ऐसी वस्तु है जिसमें रखी हुई कोई भी वस्तु को सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा, पवन का स्पर्श नहीं होगा। आप जानते हैं कि रेफ्रिजरेटर जो काम करता है उसके एक बुनियादी सिद्धांत है। वो क्या सिद्धांत है, आपके रूम का जो टेम्परेचर है, आपके कमरे का जो तापमान है, उससे नीचे का तापमान वो पैदा करेगा। अब ये प्रकृति की मदद से नहीं हो सकता, क्योंकि प्रकृति की मदद से तो आपका रूम टेम्परेचर 30 डिग्री 35 डिग्री या 22 डिग्री 25 डिग्री है, तो प्रकृति के विरुद्ध जाकर उसको काम करना पड़ेगा, तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगेंगे। तो ऐसी गैस रसायन शास्त्र में जो तापमान को कम करने में काम में आती है, उन गैसों का इस्तेमाल रेफ्रिजरेटर करेगा, और एक दो नहीं ऐसी 12 गैसों का इस्तेमाल रेफ्रिजरेटर करता है, जिनको विज्ञान की भाषा में CFCs कहते हैं, क्लोरो फ्लोरो कार्बन्स, जिसमें क्लोरीन भी है, फ्लोरीन भी है, और कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आप रसायन शास्त्र की डिक्शनरी निकाल कर देखें, आप में से जिन्होंने पढ़ा है केमिस्ट्री उनके लिए तो आसान है, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो डिक्शनरी निकाल कर देखें, क्लोरीन, क्लोरीन के सामने लिखा हुआ है जहर। सीधे डिक्शनरी देखें, टेक्स्ट की बात नहीं कर रहा हूं, एक डिक्शनरी खरीद लें केमिस्ट्री की और क्लोरीन शब्द देखें तो सामने ही लिखा हुआ है जहर, और फिर फ्लोरीन देखें तो अत्यंत जहर, और कार्बन डाइऑक्साइड तो जहर का बाप। आप जानते हैं कि शरीर का ये जो श्वासोश्वास की क्रिया है, प्राणायाम जिसको आप कहते हैं, इसमें आप हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ये क्यों छोड़ते हैं, रख लीजिए इसको अंदर। अगर इससे इतना ही प्रेम है कि रेफ्रिजरेटर लाके आपने घर के सबसे अच्छे स्थान पर रखा है जो हर समय कार्बन डाइऑक्साइड से ही खेल रहा है, तो आप अंदर की कार्बन अंदर ही रख लीजिए, बाहर मत छोड़िए, बहुत प्रेम है आपको इससे, तो आप मर जाएंगे। शाम नहीं लगेगी, रात नहीं लगेगी, मिनट में मर जाएंगे। इसलिए प्रकृति ने व्यवस्था ऐसी बनाई है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो आपको मार डालेगी, इसको बाहर निकालते रहना है। अब ये बाहर निकले तो आप स्वस्थ रहें। कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ही खराब गैसों में क्लोरीन और फ्लोरीन की गिनती होती है। अब ये तीनों, कार्बन से मिला हुआ, क्लोरीन से मिला हुआ, फ्लोरीन से मिला हुआ, 12 गैस एक साथ रेफ्रिजरेटर छोड़ता है। CFC1 गैस का नाम है, CFC1, CFC2, CFC3, ऐसी CFC12 तक 12 गैसें एक साथ छोड़ता, 24 घंटे छोड़ता रहता है, क्योंकि वो चालू है आपके घर में।
अब इसमें आपने जो कुछ भी रखा है वो सब इन गैसों के प्रभाव में आता है। आप बोलेंगे जी हमने तो भोजन को ढककर रखा है, कितना भी ढक के रखिए, क्योंकि गैसों का असर इतना तीव्र है कि स्टील को तोड़ के निकल जाने वाली गैसें हैं, स्टील के मोटे पट्टे को रख दीजिए उससे निकल जाने वाली गैस है हाई प्रेशर। तो अगर आप इतने सारे जहरीली गैसों से युक्त भोजन को 2 घंटे 3 घंटे 5 घंटे उसमें रख के फिर खा रहे हैं तो माफ कीजिए आप भोजन नहीं जहर ही खा रहे हैं। बस जहर में अंतर इतना है कि एक जहर है तात्कालिक और दूसरा है दीर्घकालिक। दीर्घकालिक जहर थोड़ा थोड़ा खाएं तो 5-7 साल में पता चला देगा, तात्कालिक खाएं तो 1 मिनट में आपको पता चल जाए। तो इसलिए मेरी आपको विनती है कि आपके घर में रेफ्रिजरेटर अगर ले लिया है तो इसका इस्तेमाल कम करिए, सबसे अच्छा है बंद करिए और मेरी बात माने तो बेच दीजिए। कोई भी सेकंड हैंड खरीद लेगा और नहीं बिकता तो लोहे के भाव में बेच दीजिए, तो भी आप फायदे के सौदे में रहेंगे। क्योंकि इसके रखे रहने से जो मन में लालच है, लालच पता है क्या है, अगर ये है तो कुछ तो करो इसका, अगर ये है तो कुछ तो करो इसका, अगर ये है तो कुछ तो करो इसका, तो कुछ तो के चक्कर में हम जबरदस्ती ज्यादा ज्यादा खाना बनाते हैं और इसमें रखते जाते हैं, सवेरे का शाम को, शाम का अगले दिन सवेरे, अगले दिन का शाम को, ये चक्कर चलता रहता है और ये चक्कर में खाने का पोषकता का नाश होता रहता है। और मैं आपको एक विनम्रतापूर्वक दूसरी जानकारी देना चाहता हूं कि रेफ्रिजरेटर का आविष्कार हुआ तो उसके पीछे कारण क्या था। हर वस्तु के आविष्कार के पीछे कारण होता है, तो इसका कारण था ठंडे देशों की, ठंडे देश हैं अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, इन देशों की आबोहवा। आप जानते हैं कि ये ठंडे देश हैं, -40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है और ज्यादा से ज्यादा प्लस में जाएं तो 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। तो 15-20 से -40 तक टेम्परेचर का जो वेरिएशन है ये बहुत तकलीफ देने वाला वेरिएशन है। आप कभी एक अनुमान करने के लिए प्रयोग करिए, मैंने किया था, मैंने एक प्रयोग किया था कि एक बार मैंने क्या किया, बर्फ का सिल्ली 1, 2, 3 चारों तरफ से लगा के मैं उसके बीच में लेट गया तो 15 मिनट में मेरा शरीर अकड़ गया, 15 ही मिनट में, जबकि मैंने खूब प्राणायाम और ये सब किया, 15 मिनट में शरीर अकड़ गया। और उस दिन मैंने मेरी बायोकेमिस्ट्री को ऑब्जर्व किया तो मैं बहुत ही परेशान था। फिर मैंने सोचना शुरू किया कि उन लोगों का क्या होता होगा जो इसी बर्फ के तापमान में 6-6 महीने सोते हैं, रहते हैं, लेटते, उनका क्या होता हो। 8-8 महीने धूप नहीं निकलती कनाडा में, अमेरिका में, यूरोप के देशों, धूप नहीं निकलती, टेम्परेचर नहीं होता और यही परिस्थिति में उनको सोना पड़ता है, तो कितनी तकलीफें उनके शरीर को होती होंगी और शरीर के साथ उनके भोजन को होती होंगी, क्योंकि शरीर भोजन से ही है। तो भोजन को ये सारी तकलीफें थोड़ी कम हो उसके लिए वहां के वैज्ञानिकों ने रात दिन मेहनत करके ये मशीन बनाई और उन्होंने कहा कि जो टेम्परेचर को हम प्रकृति के रेगुलेशन में है हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, कुछ एरिया हम ऐसा बनाएं जिसको हम कंट्रोल कर सकें, हम जब चाहें टेम्परेचर को बढ़ा सकें घटा सकें, इसके लिए रेफ्रिजरेटर बना। तो ये उनकी मजबूरी में से निकली हुई मशीन है, कोई उन्होंने बहुत आगे प्रोग्रेस करके ये बनाया ऐसा नहीं है, उनकी मजबूरी है, उस मजबूरी में से ये निकला। और उनकी सबसे बड़ी मजबूरी ये है कि एलोपैथी में कई दवाएं ऐसी हैं जो ज्यादा तापमान पे खत्म हो जाती हैं और कम तापमान पे भी खत्म हो जाती है। बहुत सारी दवाएं एलोपैथी में ऐसी हैं जो हाई टेम्परेचर पे भी खत्म हो जाती हैं, माने उन दवाओं का असर नहीं रहता, लो टेम्परेचर पे भी खत्म हो जाती हैं। तो उन दवाओं को रखने के लिए एक टेम्परेचर हमारे कंट्रोल में रहे इसके लिए फ्रिज बना, वो पानी रखने के लिए नहीं बना, दाल रखने के लिए नहीं बना, सब्जी रखने के लिए, दवाएं रखने के लिए बना। और आपको एक और जानकारी दूं कि यूरोप में ये जब आविष्कार किया सबसे पहले तो मिलिट्री के लिए इसका उपयोग हुआ था और मिलिट्री के लिए ही ये बना था, क्योंकि आर्मी के जो सैनिक हैं वो चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त रहने चाहिए, जब जरूरत हो दवाएं उनको समय पर उसी टेम्परेचर की मिलनी चाहिए, इसके लिए ये फ्रिज आया, ये हमारे लिए नहीं बना, हिंदुस्तान के लिए तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं। और यूरोप में एक दूसरी समस्या है, आप जानते हैं कि जहां 6 से 8 महीने बर्फ पड़ेगी वहां हर चीज जरूरत की समय पर नहीं मिलेगी,
मान लीजिए ये जो समय है ना दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ये सब वहां बर्फ का समय है। अब इस बर्फ के समय में वो चाहे कि आलू चाहिए नहीं मिलेगा, टमाटर चाहिए नहीं मिलेगा, भिंडी चाहिए नहीं मिलेगी, गाजर चाहिए कुछ नहीं मिलेगा उनको, बर्फ मिलेगी खा लो तो खा लो, नहीं तो उसको गर्म करके पानी बना लो, और कुछ नहीं मिलेगा। तो जो कुछ नहीं मिलेगा उस समय कुछ चीजों को स्टोर करके रखने के लिए रेफ्रिजरेटर है। जब मिल रहा है तो इकट्ठा खरीदो और स्टोर करके इसको रखना शुरू कर दो। अब गलती तो ये हो गई हम लोगों से कि हमने बिना सोचे समझे विचार किए उनकी नकल के साथ ये ले आया अपने घर में, और ऐसे लोगों के घर में भी ले आया जो केमिस्ट्री बहुत अच्छे से जानते, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को रोज पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, उनके ही घर में फ्रिज। मैं कहता हूं प्रोफेसर साहब आप ये क्या गजब कर रहे हैं, आप तो जानते हैं, क्या करें पत्नी नहीं मानती बच्चे नहीं मानते, तो आपकी केमिस्ट्री पत्नी को क्यों नहीं समझाई अभी तक? तो कहते समझती नहीं। तो मैंने कहा फिर आप प्रोफेसर क्यों हो गए? जो आप अपनी पत्नी को केमिस्ट्री नहीं समझा सके तो बच्चों को कैसे समझाएंगे? आप अपने बच्चों को नहीं समझा सके दूसरों को कैसे समझाएंगे? तो मुश्किल यह है कि हम विज्ञान पढ़ रहे हैं लेकिन वैज्ञानिक नहीं हो रहे, अपने जीवन में नितांत विज्ञान के विरुद्ध काम कर रहे हैं। प्रकृति और विज्ञान के विरुद्ध अगर कोई चीज सबसे खराब हमारे घर में है तो प्रेशर कुकर के बाद यही है रेफ्रिजरेटर। तो मेरी विनती है कि आप इसका रखा हुआ खाना मत खाइए क्योंकि वो जहर हो जाता है। तो आप बोलेंगे फिर क्या करें? एक नियम बना लीजिए अपने जीवन में जो हमारे दादा दादी नाना नानी के समय का बनाया हुआ है, और शायद बाघभट्ट ने भी ये नियम लिखा है बहुत रेखांकित करके। वो ये कहते हैं, अब मैं दूसरे नियम पर आ रहा हूं, पहले नियम खत्म हो रहे हैं अब दूसरे पर मैं जा रहा हूं। बाघभट्ट जी कहते हैं कि कोई भी खाना जो बना, कोई भी खाना, दाल बनी चावल बना रोटी बनी, बनने के 48 मिनट के अंतर इसका उपभोग हो जाना चाहिए। ये दूसरा नियम, दूसरा सूत्र है। कोई भी खाना बना, बनने के 48 मिनट के अंदर उसका उपभोग माने कंजम्पशन हो जाना चाहिए। रोटी बनी, बन गई, अब 48 मिनट के अंदर खा लीजिए। चावल बन गया, 48 मिनट में खा लीजिए। दाल बन गई, 48 मिनट में खा लीजिए। खीर बन गई, 48 मिनट में खा लीजिए। सिवई बन गई, 48। ये 48 मिनट का चक्कर क्या है? 48 मिनट, 40 मिनट भी नहीं, 50 मिनट भी नहीं, 48 मिनट। तो बाघभट्ट जी का जीवनी जब पढ़ा तो मुझे पता चला कि वो बहुत बड़े मैथमेटिशियन भी थे, आयुर्वेद के तो चिकित्सक थे ही, मैथमेटिक्स के बड़े पंडित थे। तो उन्होंने जितने कैलकुलेशन किए हैं वो सब इसी तरह के हैं, 42 मिनट। अब ये जो मिनट है ये मैंने जोड़ा है, बाघभट्ट जी ने लिखा है 48 पल। हमारे यहां जो होता है ना, पल होता है, क्षण होता है, प्रतिपल होता है, हमारे यहां जो समय की नापने की डिग्रियां हैं वो पल है, क्षण है, प्रतिपल है, वगैरह वगैरह। ये जो मिनट का चक्कर है ये तो यूरोप और अमेरिका से आया हुआ है। ये मिनट आपको समझता है, पल समझता नहीं, इसलिए मैंने इसमें जोड़ दिया है। हालांकि एक मिनट एक पल के बराबर नहीं है, एक पल एक मिनट से थोड़ा कम है। अगर बाघभट्ट जी के कैलकुलेशन में करूं तो एक मिनट का 52वां हिस्सा एक पल है। और बाघभट्ट जी कहते हैं कि लगभग भोजन बनने के 50 पल के अंदर आप उसको कंज्यूम कर लीजिए, तो मिनट मैंने कैलकुलेट किए तो वो 48-47 के आसपास आता है, ये कैलकुलेशन है। तो जो बना हुआ भोजन है वो आप 48 मिनट में कर लीजिए तो आपके लिए सबसे ज्यादा पोषकता देने वाला है। जो इसके बाद आप भोजन करें तो धीरे धीरे उसकी पोषकता कम होने लगती है। अगर आपने 6 घंटे के बाद किया बनने के बाद तो पोषकता कम हो जाएगी, 10 घंटे के बाद और कम हो जाएगी, 12 घंटे के बाद बिल्कुल ना के बराबर, और 24 घंटे के बाद तो खत्म, बासी हो गया। बासी शब्द है ना, ये बाघभट्ट जी का है, 3,500 साल पहले ये शब्द था, बासी हो गया जी। और वो कहते हैं ये बासी भोजन तो जानवरों के खिलाने के लिए भी नहीं है, आप कैसे खा रहे हैं? बाघभट्ट जी ने एक बहुत अच्छे मजे की बात लिखी, उन्होंने कहा भारत देश में 365 दिन का जो चक्र है एक वर्ष का, इसमें एक ही दिन ऐसा है जिस दिन आप ये खा सकते हैं, 364 दिन नहीं खा सकते।
एक ही दिन खा सकते हैं। और वो एक दिन का उन्होंने बहुत पक्का कैलकुलेशन किया है कि उस दिन शरीर के वात पित्त और कफ की अवस्था क्या होती है, उसके अनुसार बासी भोजन चलता है। तो मैंने वो जब ध्यान दिया तो पता चला कि वो दिन हमारे देश में एक त्योहार आता है, उसको मेरी मां कहती है बासोड़ा, आप पता नहीं क्या कहते हैं। एक ही त्योहार है अपने देश में जिस दिन हम बासी खाना ही खाते हैं। और ये जो त्योहार है, इस जो दिन पड़ता है, ये कार्तिक अघैन पूस माह के हिसाब से इसका जो दिन पड़ता है, बागवट जी का दिन भी वही पड़ता है। तब मेरे समझ में आया कि इस देश के त्योहारों के पीछे वैज्ञानिकता है। त्योहार ऐसे ही नहीं तय हो गए, इस दिन होली होगी, इस दिन दिवाली होगी, इस दिन ये होगा, इस दिन, इनके पीछे कुछ कैलकुलेशन है। बागवट जी का कैलकुलेशन है कि शरीर में तीन दोष है, वो आप सब जानते हैं, वात पित्त और कफ। इन पे आगे मैं विस्तार से बात करूंगा, यहां रेफरेंस के लिए कह रहा हूं। तो वात पित्त कफ तीन दोष हैं, ये समान स्थिति में रहे तो आदमी हमेशा निरोगी रहता है। इनकी स्थिति ऊपर नीचे हो, वात बढ़ गया, पित्त और कफ कम हो गया, पित्त बढ़ गया, वात और कफ कम हो गया, ऊपर नीचे हो तभी रोगी होते हैं आप, तभी रोग पैदा होते हैं। तो एक दिन ऐसा आता है 365 में से एक दिन ऐसा आता है जिस दिन ये वात पित्त कफ की स्थिति बिल्कुल ऐसी होती है जो विचित्र लगती है, माने होनी नहीं चाहिए ऐसी स्थिति हो जाती है। तो भागवत जी कहते हैं कि उस स्थिति को काबू में लाने के लिए बासी खाना ही चाहिए जिसकी पोषकता पूरी चली गई हो, क्योंकि जिस दिन ऐसी स्थिति आती है उस दिन शरीर को प्रोटीन नहीं चाहिए, प्रोटीन बिल्कुल नहीं चाहिए। तो प्रोटीन सब खत्म होगा तब जब खाना बहुत पुराना हो जाए। तब मेरे समझ में आया कैसी वैज्ञानिकता है। तो आप साल में एक ही दिन बासी भोजन कर सकते हैं। अब आप देखो कि एक दिन के लिए फ्रिज लगेगा साल में, तो 364 दिन की बिजली क्यों खर्च करना उसके लिए, और 364 दिन का इतना स्थान क्यों घेर के रखना। चेन्नई में बहुत महंगा है स्थान, एक स्क्वायर फुट का क्या भाव है, 3000। तो फ्रिज अगर रखा है मान लो 5-7 स्क्वायर फीट में, तो 3000 में 5 का गुणा कर लो, 15000 रुपए रोज का खर्चा एक तो दे दिया फ्रिज खरीदने में, और ये जिंदगी भर इतना स्थान घेर कर खड़ा है जो इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो कितना घाटे का सौदा है। तो इस घाटे के सौदे को अपने जीवन में मत लाइए। मेरी विनती है कि जिन्होंने फ्रिज नहीं खरीदा है वो ना खरीदें, जिन्होंने खरीद लिया है वो धीरे धीरे इसका उपयोग कम करें। एक दिन थोड़ा ऐसा आए कि उपयोग उसका बंद ही हो जाए तो आपके जीवन के लिए बहुत अच्छा है। और आप जानते हैं कि आजकल पर्यावरण के प्रदूषण की बहुत चर्चा हो रही है, दुनिया भर के वैज्ञानिक परेशान हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, सर्दी कम हो रही है, गर्मी बढ़ रही है। सर्दी कम होने में और गर्मी बढ़ाने में जिन गैसों का सबसे बड़ा योगदान है वो यही गैसें हैं, CFC-1, CFC-2, CFC-3, CFC-12 तक। तो सारे दुनिया के देश परेशान हैं कि क्या करें क्या करें। अभी इंडोनेशिया के बाली द्वीप में 7 दिन का सम्मेलन हुआ, अमेरिका, जर्मनी, भारत जैसे 156 देशों के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री 7 दिन झक मार रहे थे यही बात के लिए कि भाई CFC का प्रोडक्शन कम कैसे किया जाए। तो इसमें थोड़ा आप भी सहकार कर दीजिए, ये प्रोडक्शन कम होने के लिए फ्रिज की जरूरत बंद करने की है तो ये प्रोडक्शन कम होगा। तो इसलिए मैंने कल आपसे कहा था कि फ्रिज का भी खाना ना खाएं, समय का ध्यान रखें। ये बात हमेशा याद रखें कि बना हुआ खाना 48 मिनट के अंदर खा लेना चाहिए। अब ये 48 मिनट का जो कैलकुलेशन है, कल मैं इस पर आपसे और ज्यादा विस्तार से बात करूंगा क्योंकि एक सूत्र कल आएगा, आज बस इतनी सी बात। और एक तीसरी बात जो मैंने कल आपसे शुरू की थी, माइक्रोवेव ओवन, माइक्रोवेव ओवन भी कुछ इसी तरह का किस्सा है। इसमें भी टेम्परेचर को आप कंट्रोल करते हैं, और माइक्रोवेव ओवन में कोई भी चीज आप जब रखते हैं ना गर्म करने के लिए, तो वो चीज का एक हिस्सा गर्म होता है, पूरा नहीं होता। गर्म होने के लिए हमारी जो कल्पना है वो चारों तरफ से एक साथ एक जैसा टेम्परेचर आए, वो पानी ही कर सकता और कोई चीज नहीं है दुनिया। पानी गर्म करके उसमें कोई चीज डाले तो सही गर्म होती है, और माइक्रोवेव ओवन में पानी का कोई काम नहीं। और ये माइक्रोवेव ओवन भी यूरोप और अमेरिका के लिए है क्योंकि वहां बहुत ठंडी है, आपके लिए नहीं है क्योंकि यहां तो बहुत गर्मी है। तो अब हमारे घर में क्या हुआ है वो मैं विनम्रता पूर्वक आपसे कहता हूं, आपने कुछ चीजों को स्टेटस सिंबल बना रखा है वो बदल दीजिए।
ये स्टेटस सिंबल नहीं है, ये मजबूरी की चीज है। कहते हैं ना, मजबूरी में हमने ये किया, मजबूरी में हमने ये किया। तो आप मान लीजिए कि मजबूरी में फ्रिज लाया, मजबूरी में माइक्रोवेव ओवन लाया, मजबूरी में प्रेशर कुकर लाया, ये कोई छाती ठोक के बताने की बात नहीं है कि मेरे घर में फ्रिज है या मेरे घर में माइक्रोवेव ओवन है या मेरे घर में। आप इसको शर्म से बताइए कि मैं क्या बताऊं, मेरी मजबूरी थी, उस दिन दिमाग कुछ फिर गया था, मेरा विवेक शून्य हो गया था, तो मैंने मेरे खून पसीने की कमाई बर्बाद कर दी और ये ले आया। तो ये इस तरह से कहना जब शुरू करेंगे तो थोड़े दिन में आपकी भावना अपने आप बदल जाएगी और ये चीजें आपके बाहर निकल जाए। ये जो 48 मिनट का कैलकुलेशन है, ये जैन दर्शन में भी है। आप में से कोई भी जैन समाज के लोग होंगे तो मेरी बात आपको बहुत जल्दी समझ में आएगी। जितने भी जैन साधु संत हैं उनके मुंह से आप यही सुनेंगे, पानी में 48 मिनट के बाद जीव राशि पैदा हो जाती है और वो जीव राशि फिर बढ़ती ही चली जाती है, करोड़ों से अरबों, अरबों से खरबों में चली जाती है। तो ऐसा पानी नहीं पीना चाहिए क्योंकि जीव हत्या होती है और उसका पाप लगता है। तो जैन दर्शन ने इसको अहिंसा के साथ जोड़ा है और भागवत जी ने इसको स्वास्थ्य के साथ जोड़ा है। मूल बात एक ही है। शायद जैन दर्शन में अहिंसा से इसको इसलिए जोड़ा होगा कि धर्म से जाएगा जुड़कर तो जल्दी समझ में आएगा। भागवत जी ने इसको शरीर स्वास्थ्य से जोड़ा है तो थोड़ा देर में समझ में आता है, क्योंकि हमारा चित्त और मन धर्म के प्रति थोड़ा आकर्षित है, क्योंकि हमारे डीएनए में ऐसा है। भारत का जो डीएनए है वो ऐसा ही है, जिसमें धर्म की बात करो तो तुरंत समझ में आए, विज्ञान थोड़ा पीछे से आता है। इसलिए इस देश में धार्मिक लोगों की पूजा होती है, वैज्ञानिकों को कोई पूछता पूछता नहीं है, वो ऐसे ही बेचारे घूमते रहते हैं। कभी आप जैसे लोग उनको माला वाला डाल दे तो ठीक हो गया, वरना इस देश के वैज्ञानिक कहां मरते हैं, कहां खपते हैं, कौन जानता है, कौन पूछता है। लेकिन साधु संन्यासी महात्मा इतने पूजे जाते हैं इस देश में, जिनके पीछे आप कुछ नहीं जानते, उनका इतिहास, उनका भूगोल, तो भी आप उनके चरणों में लौटते रहते हैं। वो आपके डीएनए का दुश्मन है, मेरे डीएनए का दोष है, आपके डीएनए का दोष है, क्योंकि डीएनए ऐसा है इस देश में। कभी मौका मिला तो इस पे बात करूंगा कि गर्म देशों का डीएनए और ठंडे देशों का डीएनए बिल्कुल अलग होता है। ये जो यूरोप और अमेरिका में रहने वाले लोग हैं ना, इनका जो डीएनए है और हमारा जो हम भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश में रहने, इनका बिल्कुल डिफरेंट है। जो दुनिया के गर्म देश हैं, सारे धर्म यहीं से निकले। आपको मालूम है ईसाइयत यहीं से निकली, पूर्व से ही निकली, इस्लाम भी पूर्व से निकला, हमारा हिंदू धर्म जिसको सनातन मानते हैं ये भी पूर्व से निकला, पश्चिम से कोई धर्म आज तक निकला ही नहीं। ईसाइयत निकलने का स्थान बेथलम है ना, बेथलम इज़राइल, वो पूर्व में है। ईसाइयत के बाद इस्लाम के निकलने का स्थान वो भी वही है, बेथलम में। वो एक ही स्थान के लिए मर रहे हैं कि ये मेरा कि ये तेरा, और लड़ाई 60 साल से चल रही है और वो 10 स्क्वायर फीट की जगह है बस। हां, 10 स्क्वायर फीट की जगह में 33 करोड़ मर गए और छोड़ना नहीं चाहते, ये मैं ले लूं कि ये तू ले ले, ये फिलिस्तीन का कि ये इज़राइल का। तो ये फिलिस्तीन और इज़राइल यूरोप में नहीं है, एशिया में है, और एशिया दुनिया के पूर्व में है। तो सारे धर्म पूर्व से ही निकले हैं, क्योंकि पूर्व का डीएनए कुछ इस तरह का है। पश्चिम से धर्म निकला नहीं कोई, क्योंकि डीएनए दूसरे तरह का। तो ये डीएनए का दोष है, हम धर्म को मानते हैं, इसलिए शायद जैन शास्त्रों में जैन आचार्यों ने, जैन संतों ने इसको धर्म से जोड़ दिया। तो ये धर्म से जुड़ा हुआ विज्ञान की बात है, इसको विज्ञान से पहले समझकर धर्म में आप पालन करेंगे तो आपका विश्वास इस पर पक्का होगा। इसलिए ये 48 मिनट याद रखिए, सब माताएं बहनें और भाई याद रखें, भोजन पका तो 48 मिनट में हो ही जाना, खा ही लेना। इसलिए शायद पुरानी परंपरा हमारे देश में है, गरम खाना खाओ माने वो 48 मिनट के पहले हो, गरम गरम रोटी बना के खिलाओ या गरम गरम रोटी खाओ। आपको शायद मालूम नहीं है, आप में से जो यूरोप और अमेरिका ज्यादा घूमते हैं वो इसका अंदाजा लगाएंगे कि गरम रोटी का महत्व तो क्या है, क्योंकि यूरोप में नहीं मिलती, अमेरिका में नहीं मिलती, दुनिया के 56 देशों में गरम रोटी नहीं मिलती, क्योंकि उसको बनाना नहीं जानता कोई। दुनिया की आबादी 600 करोड़ है, 600 करोड़ आबादी में 300 करोड़ महिलाएं, 300 करोड़ पुरुष अगर मान लें, तो 300 करोड़ महिलाओं में लगभग 250 करोड़ महिलाएं नहीं जानती कि गर्म रोटी कैसे बनती है।
उनके पास गेहूं का आटा है, गेहूं है, गेहूं का आटा भी है, क्योंकि यूरोप के कई देशों में गेहूं है, अमेरिका में गेहूं पैदा होता है, कनाडा में भी गेहूं पैदा होता है, गेहूं ठंडी की फसल है तो ठंडे देशों में होता, तो गेहूं है, गेहूं का आटा भी है, रोटी बनाना नहीं आता। क्यों? कोई यूनिवर्सिटी नहीं है वहां जो सिखाए इसको, कोई कॉलेज नहीं है जो सिखाए इसको, तो यूनिवर्सिटी कॉलेज नहीं है, और कोई मां नहीं है जो अपनी बेटी को सिखाए, क्योंकि मां को नहीं आता तो बेटी को क्या सिखाए। और हजारों लाखों सालों से वहां ये चक्कर चल रहा है, रोटी बनाना नहीं आता। किसी यूरोपियन और अमेरिकन व्यक्ति के बारे में अभी एक छोटा सा किस्सा बताता हूं। थोड़े दिन पहले हमारे पास एक दंपत्ति आए फिनलैंड से, एक पति और एक पत्नी दोनों आए। उन्होंने कहा मुझे भारत का गांव देखना है, तो हमने एक गांव में भेज दिया। संयोग से जिस गांव में गए वहां शादी थी, तो हमने कहा उसमें भी आप शामिल हो जाइए तो भारत क्या है आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो वो शादी में जब शामिल हुए तो रोटियां बना रहे थे, कोई पूड़ी बना रहा है, तो गांव में तो आप जानते हैं ना नौकर नहीं बनाते, सब गांव इकट्ठा होकर बनाता है। जिसके घर में शादी है उसके घर में दूसरे घर के लोग आ जाते हैं, दूसरे घर का चूल्हा बंद हो जाता है, सब एक ही घर में खाते हैं। तो सब महिलाएं बना रही थी, तो उस फिनिश दंपत्ति ने पूछा ये सब कितना पैसा लेंगी। तो उनको कहा ये पैसा वैसा नहीं लेने वाले। तो ये कैसे हो सकता है? तो हमने कहा ये है क्योंकि भारत कोऑपरेशन पे चलता है, कॉम्पिटिशन से नहीं चलता ये देश। हमारे समाज में कोऑपरेशन है, कॉम्पिटिशन नहीं है। तो फिर वो फिनिश दंपत्ति में जो महिला थी वो सबसे ज्यादा इस बात को परेशान थी लेकर कि ये रोटी एकदम गोल बन रही है, 100% गोल। उसकी जिंदगी में ये कल्पना नहीं है कि 100% गोल चीज कोई हाथ से बन सकती है। वो कहती है उसने कभी सोचा था भारत के बारे में कि मशीन से बनाते होंगे रोटी, और वो कह रहे हैं ये हाथ से बनाते हैं 100% गोल। तो उसका जितना कैमरे में रील थी उसने सब उसी पे खर्च कर दी गोल रोटी बना के देखने में उसके। माने आपको मैंने ये उदाहरण इसलिए दिया कि उनके लिए ये अजूबा है, उनको लगता है कि कोई महिला ये कर पाए। और मैंने जब वो जा रहे थे तो पूछा आपको भारत में कौन सी चीज सबसे अच्छी, तो उनका ये जो रोटी है गोल ये सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है जिसकी वैल्यू हमारे लिए सबसे ज्यादा है, क्योंकि हम जानते नहीं ये कैसे बनती है। और आपके घर में हर माँ बहन इसको बना सकती है, 10-12 साल की बहन भी आसानी से बना सकती है। इसका मतलब है कि रोटी ताजा और गर्म ये भारत में ही संभव है, दुनिया के दूसरे देशों को नसीब नहीं है। तो आप समझ लीजिए कि आपके पास कितनी वैल्यूएबल चीज है गर्म रोटी, और उसको आप छोड़कर ठंडी करके खाएं तो ये आपका दुर्भाग्य है, सौभाग्य नहीं। तो रोटी को गर्म गर्म ही खाएं, गर्म गर्म ही खिलाएं। यूरोप में कोई किसी को खिलाता नहीं क्योंकि कोई बनाता नहीं और जानते भी नहीं। वहां तो बेचारे 3-3 महीने पुरानी रोटी खाते हैं जिसको डबल रोटी कहते हैं, पाव रोटी कहते हैं। मैंने एक सिंपल कैलकुलेशन किया था कि पाव रोटी बनने के बाद और खाने तक 90 दिन निकल जाते अमेरिका और यूरोप में। पता है क्या कि गेहूं हर जगह होता नहीं, कुछ जगह होता, तो गेहूं बड़े बड़े ट्रक में भर के वहां तक जाता है जहां गेहूं को पीसने वाली चक्कियां लगी हुई हैं, फ्लोर मिल्स, वहां उनका आटा बनता है। फिर वो आटा ट्रक में भर भर के फिर वहां जाता है, फिर जाकर उससे डबल रोटी बनती है, फिर वो वहां से बनकर कहीं और जाती है, फिर ऐसी चक्कर में 90 दिन निकल जाते हैं। हमारे आयुर्वेद शास्त्र में बागवत जी कहते हैं कि आटे को जितना ताजा इस्तेमाल किया उतना ही बेहतरीन है। आटे के बारे में वो कहते हैं जितना ताजा इस्तेमाल किया उतना ही बेहतरीन है। रोटी के बारे में कहते हैं 48 मिनट के अंदर खा लेना चाहिए, और पिसा हुआ आटा वो ये कहते हैं कि 15 दिन से ज्यादा पुराना कभी भी मत खाना, 15 दिन मैक्सिमम, वो भी गेहूं के लिए। ये चना और मक्की और ज्वारी इसके लिए तो 7 ही दिन कहा हुआ, 7 दिन से ज्यादा पुराना नहीं खा सकते, क्योंकि वो ही किस्सा है, उसकी माइक्रो न्यूट्रिएंट कैपेसिटी लगातार कम होती चली जाती है। तो अब आप बोलेंगे जी ताजा आटा कहां से लाएं, चक्की है, जिंदाबाद। हिंदुस्तान में हजारों लाखों वर्षों से आटा ताजा बनाकर रोटी बनाने की परंपरा है कि नहीं? जो माताएं यहां बुजुर्ग हैं इन्होंने अपना गांव देखा होगा, अपने गांव के घर की चक्की देखी होगी। ये चक्की पे मैंने थोड़ा रिसर्च किया कि ये क्या अद्भुत चीज बनाई है हमारे ऋषि मुनियों ने। ये दुनिया की ऐसी अद्भुत मशीन है जो आपको ताजा आटा तो देती ही है,
आपके शरीर की स्वास्थ्य के लिए, और आपके अंदर की मांसपेशियों को हमेशा फ्लेक्सिबल रखती है। और हमारे घरों में ये जो चक्की चलाने का काम माताएं करती रही हैं, मैंने इन माताओं पर एक छोटा सा रिसर्च अभी पिछले साल पूरा किया। मेरे एक दोस्त हैं आयुर्वेद के चिकित्सक हैं, उनके साथ मिलकर, वो गांव में रहते हैं, तो मैंने कहा आप गांव की कुछ महिलाओं पर अध्ययन करिए कि जो चक्की चलाती हैं, इनके बारे में जरा पता करिए, और जो चक्की नहीं चलाती पिसा हुआ आटा लाती हैं। तो उन्होंने कहा जो चक्की चलाने वाली माताएं हैं उनके गांव में 90 माताएं हैं, किसी को भी सिजेरियन डिलीवरी नहीं हुई है। चक्की चलाने वाली माताओं के पैरों में दर्द नहीं है, चक्की चलाने वाली माताओं को कभी भी कंधा नहीं दुख रहा, गर्दन नहीं दुख रही है, नींद अच्छी आ रही है, डायबिटीज नहीं है, हाइपरटेंशन नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ा है, 48-50 बीमारियां नहीं है। और जो माताएं पिसा हुआ आटा ला रही हैं, कैप्टन कुक ITC का, उनके घरों में डायबिटीज भी है, अर्थराइटिस भी है, हाइपरटेंशन भी है, ये भी है वो। तो मैंने वो वैद्य जी को कहा कि आप क्या मानते हैं ये जो चक्की चलाने वाली माताएं, ये ऐसा क्या विशेष काम कर रही हैं? तो उन्होंने मुझे समझाया, वो मेरे भी समझ में आया, आपको भी समझ। हम जब चक्की चलाते हैं तो एक दिन चला के देखिए तो आपको समझ में आए, सबसे ज्यादा दबाव पेट पे पड़ता है, हाथ पे इतना नहीं है, पेट पे दबाव है। और मां के पेट में एक एक्स्ट्रा ऑर्गन है जो पिता के पेट में नहीं है, जिसको गर्भाशय कहते हैं। ये गर्भाशय आपके पेट के बिल्कुल बीचों बीच हिस्से में, चक्की चलाते समय सबसे ज्यादा जोर वही है। और गर्भाशय के बारे में आयुर्वेद के सारे रिसर्च और आधुनिक विज्ञान के सारे रिसर्च ये कहते हैं कि ये गर्भाशय के आसपास के एरिया में जितना हलन चलन हो उतनी इसकी फ्लेक्सिबिलिटी है। फ्लेक्सिबिलिटी माने मुलायमियत, अंग्रेजी शायद आप समझ जाएंगे फ्लेक्सिबल के, मुलायमियत, इलास्टिसिटी एक शब्द होता है अंग्रेजी में, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मतलब जब चीज की जरूरत पड़े तो उसको तान देना, जब जरूरत पड़े तो उसको संकुचित कर दे। ये हमारे गर्भाशय का सबसे बड़ा गुण है, इसी गुण के कारण बच्चे का जन्म होता है। और ये गुण को बनाए रखने में सबसे बड़ी भूमिका है हलन चलन, वहां आसपास मांसपेशियां, उनका हलन चलन रहे। तो ये हलन चलन सबसे अच्छे तरीके से, मैंने खुद चला के देखा चक्की, ये सबसे ज्यादा पेट के हिस्से में ही होता है। तब मेरे समझ में आया कि जो माताएं नियमित रूप से चक्की चला रही हैं उनको सिजेरियन डिलीवरी नहीं हो रही है, क्योंकि गर्भाशय की इलास्टिसिटी मेंटेन है, तो आसानी से बच्चा बाहर आ रहा है बिना किसी ऑपरेशन के। तब मुझे ध्यान आया कि हमारी जो पुरानी माताएं हैं उनके 8-8, 10-10 बच्चे होते थे, कभी सुना नहीं कि सिजेरियन। वो दाई आती थी गांव की, जो MBBS नहीं है, MD नहीं है, MS नहीं है, और बच्चे करा के चली जाती थी ऐसे ही, जैसे दाल पका के कोई चला गया या चावल पका के कोई चला गया। हां ऐसे होता है। तो हमने इस बात को जब ध्यान दिया तब मेरे मन में आया कि इसको थोड़ा और बड़ा रिसर्च करना चाहिए। तो इसी चेन्नई में मेरे एक मित्र हैं, उनकी पत्नी और वो मिलकर 15-16 साल से इसी विषय पे काम कर रहे हैं कि बच्चे को बिना किसी डॉक्टर की मदद के या सीजर ऑपरेशन के बाहर कैसे लाया जाए। तो उनका 15-16 साल का रिसर्च ये कहता है कि ये सिर्फ चक्की की मदद से ही हो सकता है। और आयुर्वेद तो यहां तक कहता है कि मां का गर्भ 7वें महीने तक चक्की चलाने की अनुमति देता है, मां को 7वें महीने तक चक्की चलवाई जा सकती है, 8वें महीने में नहीं, फिर उसको बंद कर देना अच्छा है। और उतने 7 महीने की चक्की आपके लिए पर्याप्त है कि वो बच्चा बिना सीजर के हो। और जो बच्चे बिना सीजर के हैं उनके जीवन को आप देख लें, और जो सिजेरियन है उनके जीवन को देख लें, जमीन आसमान का अंतर है। सीजर बच्चे ज्यादा बीमार हैं, समय समय पर बीमारियां हैं, जो बिना सीजर हैं वो सब स्वस्थ हैं, दुरुस्त हैं, तंदुरुस्त हैं, ब्रेन का डेवलपमेंट भी उनका अच्छा है, लॉजिक को डेवलप करने की कैपेसिटी, कल्पनाशीलता उनमें दूसरे बच्चों से ज्यादा है। तो भागवत जी का सूत्र है कि खाना बना तो 48 मिनट में खाएं, और खाना बनाने वाली जो वस्तुएं हैं जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है आटा, गेहूं का आटा 15 दिन से ज्यादा पुराना ना खाएं, ज्वारी, बाजरी और मक्की का आटा 7 दिन से पुराना ना खाएं,
और वो ये कहते हैं कि रोज का हो तो सबसे अच्छा, सुबह बनाएं और शाम को आटा इस्तेमाल हो जाए तो वो सबसे अच्छा, ज्यादा दिन पुराना ना हो। तो अब आप इसको अपने जीवन में कैसे उतारेंगे इस सूत्र को? अगर संभव हो तो एक एक चक्की ले लीजिए, संभव हो तो। इससे कई फायदे हैं। आपको सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि आपके घर में मां है, कोई बहन है, उसको मां बनने के समय यह बहुत मदद करेगी चक्की। दूसरा, आपका वेट कम करने में बहुत मदद करेगी चक्की। अगर आपको एक्स्ट्रा वेट है और आप उसको लूज करना चाहते हैं तो 15 मिनट सुबह चक्की चलाया पर्याप्त है। 15 मिनट सुबह अगर आपने चलाया, 3 महीने बाद आप देखना 12 से 13 किलो वजन कम होगा आपका, सिर्फ 15 मिनट की चक्की। रामदेव जी चक्की चलवाते हैं कि नहीं? आप चलाते हैं कि नहीं? लेकिन वो चक्की चलाते हैं जिसमें कुछ होता ही नहीं है, ऐसे ऐसे चलवाते हैं कि नहीं? तो असलियत में ही चला लो, कुछ तो आटा तो मिलेगा। कम से कम आटा तो निकलेगा बाई प्रोडक्ट, यहां तो कुछ निकल ही नहीं रहा है, बस ऐसे ऐसे चला। अब आप बोलेंगे जी चक्की कहां मिलेगी? चक्की अभी भी मिल रही है, यहीं चेन्नई में मिलेगी। पत्थर बनाने वाले बहुत लोग इस देश में हैं जो अभी भी ये काम कर रहे हैं, लेकिन वो रो रहे हैं कि राजीव भाई ये कोई खरीदता नहीं, हम क्या करें, हमारा सिलबट्टा भी कोई खरीदता नहीं, चक्की भी कोई। तो मैंने संकल्प लिया है कि मैं बिकवाऊंगा आपकी चक्की, हाँ, और मैं उनका फोकट का मार्केटिंग मैनेजर हूं। वो मुझे कुछ एक पैसा नहीं देते, लेकिन मैं उनके लिए मार्केट बनाने के काम में लगा हुआ हूं। ये मार्केट बनाने में भागवत जी की बड़ी मदद मिल रही है। तो आप चाहें तो एक चक्की ले लीजिए, बहुत महंगी नहीं आती, सस्ती है। 15 मिनट आप भी चलाइए, महिलाएं भी चला सकती हैं, पुरुष भी चला सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ भेदभाव नहीं है कि पुरुष ना चलाएं, महिलाएं ही चलाएं। महिला चलाएं तो उनको थोड़ा एक्स्ट्रा गेन है। एक्स्ट्रा गेन माने आपको जो एक्स्ट्रा ऑर्गन है बॉडी में, यूट्रस, वो पुरुष को नहीं है, इसको मदद मिलेगी आपको फ्लेक्सिबल बनाए रहे। और मैं आपको एक बहुत गहरी बात कहने आया, वो माताओं बहनों को विशेष रूप से, उम्र के एक पड़ाव में जब आप 45 वर्ष के आसपास हो जाएंगी तब आपको गर्भाशय के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन शुरू होंगे। सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन तो यहीं से शुरू होगा कि आपको मेनोपॉज पीरियड शुरू होगा, मेंसेस साइकिल आपकी बंद होगी, मेनोपॉज पीरियड शुरू होगा। और उस पीरियड में जितने कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं वो बच्चे के जन्म के समय भी नहीं होते कभी। और कई कॉम्प्लिकेशन तो ऐसे जिनको कोई मां समझ भी नहीं पाती कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। अचानक से पसीना आएगा, पूरा शरीर पसीने से भर जाएगा, फिर थोड़ी देर में ठंड लगना शुरू हो जाएगी, फिर थोड़ी देर में तमतमा जाएगा चेहरा, एकदम गर्मी, फ्लैशेस। समझ में नहीं आता किसी मां को कि अभी थोड़ी देर पहले पसीना था, अभी इतनी गर्मी आ गई और अभी इतनी ठंडी लगने लगी। इतने वेरिएशन होते हैं, मिनट मिनट में वेरिएशन होते हैं। मन आपका इतना डिप्रेशन में चला जाएगा, इतना अवसाद में चला जाएगा कि दुनिया बिल्कुल बेकार है, इसमें क्या करना जिंदा रह के। ये डिप्रेशन, तनाव मन में होगा, अवसाद मन में होगा, और ऐसे ऐसे कॉम्प्लिकेशंस बनते जाएंगे। कारण उसका एक ही है कि कुछ हार्मोन्स आपके शरीर में बनना बंद हो जाएंगे, वो आपके लिए बहुत जरूरी है। अब हार्मोन्स बनेंगे ही नहीं तो फिर मुश्किलें ये सब आती हैं। तो भगवान की व्यवस्था ऐसी है, 45-50 साल की उम्र में हर मां को दूसरा जन्म लेना पड़ता है, ऐसा कहा जाता है। तो ये जो दूसरे जन्म की समस्याएं हैं, इनको जिंदगी में खत्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन भागवत जी कहते हैं कि इनको कंट्रोल करके रखा जा सकता है। अब मैं तीसरे सूत्र पे आ रहा हूं। तीसरा सूत्र विशेष रूप से माताओं बहनों के लिए वो कह रहे हैं कि माताओं और बहनों की मासिक धर्म बंद होने के बाद की जो अवस्था है, इसमें परमानेंट कोई क्योर नहीं है, क्योंकि जो हार्मोन बनना बंद हो गए वो तो हो ही गए, उनको बाहर से भी नहीं डाला जा सकता। लेकिन भागवत जी ये कहते हैं कि उसको कंट्रोल करके रखा जा सकता है। तो वो कहते हैं कि कंट्रोल करके रखने में मां के रसोई घर के जो उपकरण हैं, उपकरण इंस्ट्रूमेंट्स, इनकी मदद आप ले सकते हैं। तो रसोई घर का उपकरण सबसे अच्छा मैंने कहा चक्की, इसकी मदद ले सकते हैं। और दूसरा एक उपकरण और है रसोई घर में, सिलबट्टा, मसाला पीसने वाला जो सिलबट्टा है ना, ये दूसरा बड़ा उपकरण। अगर आप, मैंने सिलबट्टा चला के देखा तो इस सिलबट्टे को चलाने में भी सबसे ज्यादा जोर पेट पे ही आता है, चक्की चलाने में भी सबसे ज्यादा जोर पेट पे आ रहा है। तो ऋषि मुनियों ने ये चक्की का आविष्कार जब किया होगा
और सिलबट्टे का आविष्कार किया होगा तो किसी मां को ध्यान में रखकर ही किया होगा, यह पक्का है। अब नियमित रूप से आप सिलबट्टा चला रहे हैं और चक्की चला रहे हैं तो यूट्रस के आसपास की जो मांसपेशियां हैं वो हमेशा नरम और मुलायम रहने ही वाली है, तो आपकी जिंदगी के कॉम्प्लिकेशन 45 साल के बाद कम रहने ही वाले हैं। आप उनको दवा खा खा के कम करें तो दवाओं के साइड इफेक्ट्स हैं, ज्यादा दवाओं के साइड इफेक्ट है कि मोटापा बढ़ेगा। एक एचआरटी टेक्निक है, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी,